कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची फिनिक्स को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहती है और इस टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ एक नदी में से मछलियां पकड़ रही होती है। अब जाल फेंकते हुए फिनिक्स के फादर पानी में गिर जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो तभी अचानक से पानी में से एक डीमन फिश बाहर आती है, जो कि काफी बड़ी और खतरनाक थी, और वो फिनिक्स के पेरेंट्स को खा लेती है। तभी देखकर वो बच्ची इतनी दुखी हो जाती है कि रोने लगती है। अब जैसे ही वो डीमन फिश फिनिक्स को खाने वाली होती है तो तब वहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के हीरो की, जिसका नाम होता है जियांग जिया, जो हवा में उड़कर वहाँ पर आता है और उस डीमन फिश को अपना रॉड देकर मारता है। इतनी ही देर में पानी से एक सॉट उड़कर आती है, जहाँ जियांग उसे अपने स्टिक से रोककर उसे वापस भेज देता है, और तभी नदी में से बाहर निकलकर आता है रिवर गॉड, जो कि इविल होता है, और वो जियांग से फाइट करने लगता है। अब यहाँ पर जियांग और रिवर गॉड की काफी देर तक फाइट चलती रहती है। इस फाइट के दौरान जियांग रिवर गॉड को मारने के लिए अपना चाबुक यानी अपनी बेल्ट उस पर दे मारता है, लेकिन इस अटैक से रिवर गॉड को कुछ नहीं होता और वो बच जाता है। लेकिन जियांग के बेल्ट से नदी का बहुत सारा पानी गांव के बहुत सारे लोगों पर गिर जाता है, जिससे कई गांव वाले मारे जाते हैं। लेकिन ये बात जियांग को पता नहीं चल पाती कि उसकी बेल्ट को यूज करने से इतने लोग मारे गए हैं। तभी जियांग रिवर गॉड को अपनी बेल्ट से मारने के बाद नदी के पास ही एक वोल्केनो में धकेल देता है और अपने स्पेल्स का यूज करके उसे वहीं पर ही कैद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपनी विक्ट्री से काफी खुश है, लेकिन तभी आसमान से एक आवाज आने लगती है और आवाज के साथ ही उस पर थंडर गिरनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो आवाज जियांग से कहती है कि तुमने अपने फायदे और जीत के लिए बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली हैं और ये इतनी बड़ी गलती है कि इस पर माफी नहीं बनती, यानी तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं किया जाएगा। सजा के तौर पर तुम्हारे ऊपर 15 सालों तक बिजली गिरती रहेगी और अब हमेशा के लिए तुम मॉर्टल हो जाओगे, यानी बाकी ह्यूमन बीइंग्स की तरह, इंसानों की तरह। इसका मतलब ये था कि जियांग पहले इमॉर्टल था, यानी कि उसकी मौत कभी भी ना होती। तब जियांग परेशान होकर चिल्लाकर कहता है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली, और जिसको मैंने मारा है इन रिवर गॉड को, वो कोई मासूम, कोई बेकसूर नहीं है, बल्कि वो इविल है, वो बहुत बुरा है, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, और बेकसूर मासूम तो मैं हूँ जिसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अब यहाँ पर जियांग उसके साथ ऐसा ना करने के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन अनलकीली तब तक वो आवाज जा चुकी थी। और अब इसके बाद कहानी में हम सीधा 15 सालों बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ हमें वही बच्ची फिनिक्स दिखाई देती है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। फिनिक्स एक पहाड़ी पर चढ़कर हर्ब्स तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक आग का गोला जमीन की तरफ तेजी से आ रहा है, और जब फिनिक्स चेक करने के लिए वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर जियांग मिलता है काफी बुरी हालत में, क्योंकि वो काफी इंजर्ड था, उसकी बॉडी से खून बह रहा था। अब फिनिक्स उस टाइम तो उसे होश में नहीं ला पाती, लेकिन वो फौरन उसे अपने घर ले जाती है। अब इसी गांव में हम रॉकी नाम की एक और लड़के को देखते हैं, और ये लड़का रॉकी फिनिक्स को पसंद करता था, और उस टाइम वो अपने दोस्तों के साथ फिनिक्स के घर के अंदर झांक रहा होता है, जहां वो देखता है कि फिनिक्स के बेड पर एक आदमी लेटा हुआ है और उसके पास फिनिक्स बैठी है। तब ये देखकर रॉकी को गुस्सा आता है और वो जेलस होने लगता है, इसीलिए मौका मिलते ही वो जियांग को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर रॉकी जियांग पर गुस्सा करने लगता है कि तुम स्ट्रेंजर हो, हम तुम्हें नहीं जानते, इसीलिए तुम हमारे गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, जिस पर जियांग कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी रहूं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जियांग के ऐसा कहते ही वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, जहां जियांग अपने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी हालत खराब होने लगती है। तब उसे रियलाइज होता है कि सजा मिलने के साथ साथ उसकी सारी पावर्स भी जा चुकी है। फिर हमें रात के टाइम जंगल का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ जियांग जख्मी कमजोर हालत में हेल्पलेस पड़ा होता है, और अपने फ्लैशबैक में वो उस सीन को याद करता है जब 15 साल तक उस पर बिजली गिरती रही, और ठीक उसी टाइम वो अपनी वाइफ को याद करता है, और उसकी वाइफ भी जियांग की तरह इमॉर्टल थी, और उसकी वाइफ सेम टू सेम फिनिक्स जैसी ही दिखती थी। और तभी जियांग को ढूंढते हुए फिनिक्स वहाँ पर आ जाती है, और जब वो जियांग की ऐसी हालत देखती है तो वो उसे अपने साथ घर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव की एक लेडी नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, लेकिन तभी पानी में उसे कुछ हलचल होती हुई फील होती है, लेकिन तभी वो डीमन फिश पलक झपकते ही उस पर अटैक करती है और उसे खा लेती है और वापस से पानी में चली जाती है। अब इस औरत की मौत की वजह से गांव के सारे लोग काफी भड़क जाते हैं, काफी गुस्से में आ जाते हैं, और फिनिक्स से कहते हैं कि उस आदमी को अपने घर से बाहर निकालो, हमें लगता है कि इसी की वजह से डीमन फिश यहाँ पर आई है और हमारे गांव की उस औरत को खा गई। तो फिनिक्स उन सबको समझाती है और
और उन्हें रोकती है, लेकिन वो सभी जियांग को उठाकर डेमन फिश के पास फेंकने के लिए चले जाते हैं। वो देखते ही देखते जियांग को नदी में फेंक देते हैं। और जब डेमन फिश जियांग पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आती है, तब जियांग उसके मुँह में जाने से बचकर उसके सर पर चढ़ जाता है। अब डेमन फिश जियांग को उठाकर पानी से बाहर फेंक देती है और आसपास गांव के जितने भी लोग खड़े थे उन्हें शक करने लगती है, यानी उन्हें अपने अंदर समाने लगती है। तब ये देखकर डरते हुए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक बच्ची वहीं पर ही गिर जाती है और अब डेमन फिश उसे शक करने लगती है। डेमन फिश उस बच्ची को हवा में कर देती है। उसे बचाने के लिए फिनिक्स उसकी तरफ बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन अब डेमन फिश उन दोनों को ही शक करने लगती है, जिससे वो दोनों डेमन फिश के मुंह में जाने वाली होती है। लेकिन तभी डेमन फिश के मुंह में जाने से पहले जियांग फिनिक्स के पांव पकड़ लेता है, जहां इसी दौरान बाकी गांव वाले और रॉकी उस डेमन फिश पर हमला कर रहे होते हैं, जिससे डेमन फिश उन दोनों को छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब उन दोनों की जान बचाने के लिए सारे लोग जियांग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और अब जियांग भी वहां से जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक ओल्ड मैन वहां से उठता है और कहता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, मुझे आप लोगों को कोई जरूरी बात बतानी है। लेकिन सभी गांव वालों को वो ओल्ड मैन और उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हें रिवर गॉड ने ही भेजा है, क्योंकि वो इविल है, वो शैतान है, इसी वजह से वो सब उस ओल्ड मैन को मारने लगते हैं। और तभी हलचल देखकर जियांग भी वहाँ पर आ जाता है और वो सभी गांव वालों को बताता है कि इन्हें रिवर गॉड ने नहीं भेजा और न ही ये उसकी तरह डेमन है, बल्कि ये अर्थ गॉड है। तब गाँव के सारे लोग अर्थ गॉड से अपने बिहेवियर पर माफी मांगते हैं। अर्थ गॉड उनसे कहता है कि मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है, और वो ये कि तुम्हारा गांव खतरे में है, क्योंकि रिवर गॉड जो 15 सालों से कैद था वो आजाद होने वाला है। तब गांव के सारे लोग परेशान होते हुए अर्थ गॉड से पूछते हैं, तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम अपने गांव को बचाने के लिए। जिस पर अर्थ गॉड कहते हैं, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, गाँव को और आप लोगों को बचाने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, और वो ये कि जो कोई भी गॉड के उस बेल्ट को लाएगा वही रिवर गॉड को हरा सकता है। और तभी वहाँ पर रॉकी आ जाता है, जो कहता है कि मैं लाऊंगा उस बेल्ट को। जिस पर अर्थ गॉड उसे कहते हैं कि तुम लाओगे बेल्ट को, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं ला सकते उस बेल्ट को, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई पावर्स, कोई एबिलिटीज नहीं है, और मैं तो तुम्हें एक स्लैप लगाकर ही नीचे फेंक दूं। तभी सारी बातें सुनकर जियांग वहां से जाने लगता है। तभी अर्थ गॉड भी जियांग के पीछे पीछे आ जाता है। तब जियांग कहता है कि छोड़िए, इसका कोई फायदा नहीं है अब, क्योंकि वो चाबुक यानी वो बेल्ट मुझसे ले ली गई है। इसका मतलब ये है कि अर्थ गॉड ने जिस गॉड का चाबुक इन्हें बेल्ट लाने के लिए कहा था, वो गॉड कोई और नहीं बल्कि यही है जियांग। तो इसका मतलब ये है कि जियांग भी एक गॉड था और इसीलिए वो इमोर्टल था और उसके पास इतनी पावर्स थी जो कि अब ले ली गई। तब उसकी ये बात सुनकर अर्थ गॉड उसे कहता है कि गॉड की बेल्ट को कोई भी वापस नहीं ले सकता, उनसे वो कोई नहीं छीन सकता। वो बेल्ट तुमसे ली नहीं गई, बल्कि गॉड के टॉम में यानी मकबरे में है, यानी जहाँ एंशियंट टाइम के गॉड पुराने गॉड रहा करते थे। और जियांग सुनो मेरी बात, उस बेल्ट को बस तुम ही ला सकते हो। अब ये सारी बातें फिनिक्स छुपकर सुन रही होती है और यहाँ पर उसे जियांग के बारे में पता चल जाता है कि जियांग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो है जियांग जिया। लेकिन यहाँ पर जियांग अर्थ गॉड को मना कर देता है और कहता है कि मैं उस बेल्ट को अब नहीं ला सकता, क्योंकि मैं अब मॉर्टल हूँ, यानी अब मैं भी बाकी इंसानों के जैसा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग अकेला बैठकर कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास फिनिक्स आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी और अर्थ गॉड की बातें सुन ली हैं और अब मैं ये बात जान गई हूँ कि तुम्हें जियांग जिया हो। जियांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये बात पता चल गई है तो प्लीज तुम इसे किसी और को मत बताना कि मैं ही जियांग जिया हूँ। अब यहाँ उन दोनों की बातें रॉकी और उसके बाकी साथी भी सुन लेते हैं और फिर अगली सुबह पूरे गाँव को पता चल जाता है कि यही जियांग ही असल में जियांग जिया है। और तभी अर्थ गॉड भागते हुए वहाँ पर आते हैं और वो सभी को बताते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, रिवर गॉड कभी भी उस स्पेल को तोड़कर वहाँ से आजाद हो सकता है, यानी वोल्केनो से जहाँ पर जियांग ने उसे कैद किया था। अब किसी न किसी को गॉड का वो बेल्ट लाना ही होगा। तब यहाँ पर जियांग मान जाता है और कहता है कि मैं जाऊँगा वहाँ पर उस बेल्ट को लाने के लिए, जहाँ अर्थ गॉड अपनी स्टिक की मदद से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसमें फौरन जियांग जिया चला जाता है। लेकिन फिनिक्स नहीं चाहती थी कि जियांग वहाँ पर जाए,
जाए, इसीलिए जियांग के पीछे पीछे वो खुद भी चली जाती है। जहाँ उन दोनों को जाता हुआ देख रॉकी भी उनके पीछे पीछे पोर्टल में चला जाता है। अब वो तीनों जैसे ही पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वहाँ उनके सामने एक काफी बड़ा डीमन आ जाता है। तब रॉकी उसे देखकर डरते हुए पूछता है, ओ गॉड ये कौन है? जिस पर जियांग उसे बताता है कि ये है डीमन किंग। और तभी डीमन किंग को उन तीनों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उन पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए जियांग भागकर अपने चारों तरफ स्पेल्स का एक सर्कल बनाता है। वही सर्कल वो फिनिक्स और रॉकी के चारों तरफ भी बना देता है और कहता है, इन स्पेल्स की मदद से ये हमें देख नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत भी है, ये स्पेल्स ज्यादा देर तक काम नहीं करते, तो जैसे ही मैं बोलूं भागकर दूसरी तरफ चले जाना, क्योंकि वहाँ पर डीमन किंग नहीं आ पाएगा। तब जियांग के 1, 2, 3 कहते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी डीमन किंग अपनी जॉइंट एक्स की मदद से जियांग की बैक पर अटैक करता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। तब वो दोनों जियांग को उठाकर एक जगह पर लिटा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग की वाइफ आ जाती है, जो कि सच में सेम टू सेम फिनिक्स जैसी ही दिख रही थी। वो फिनिक्स से कहती है कि अगर तुम जियांग की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे अपना ब्लड ट्रांसफर करना होगा और ब्लड ट्रांसफर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फिनिक्स का ब्लड जियांग में ट्रांसफर करने लगती है और कहती है कि जियांग को जब होश आए तो उसे ये बात मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी और मैंने ये सब कुछ किया था। और इतना कहते ही जियांग की वाइफ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद जियांग को जब होश आती है तो वो कहता है कि अब मैं पहले की निस्बत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, बताओ फिनिक्स ये तुमने कैसे किया। और जब रॉकी इस बारे में बताने ही वाला होता है तो फिनिक्स उसकी बात को काटते हुए कहती है कि छोड़ो इन बातों को, हमें देर हो रही है, चलो गॉड की उस बेल्ट को ढूंढने के लिए चलते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। उधर दूसरी तरफ गांव में अर्थ गॉड और गांव वाले डीमन फिश के साथ फाइट करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर वो तीनों गॉड के टॉम्ब यानी मकबरे में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने एक काफी बड़ा स्कल्पचर यानी स्टैचू होता है। तब जियांग उन्हें बताता है कि ये प्रोटेक्टर है और यहां आने वाले लोगों को इनकी तरफ से दिए जाने वाले टेस्ट को पास करना होता है। और तभी एक बड़ा सा बर्निंग स्कल वहां पर विजिबल होता है, जहां नेक्स्ट सीन में जियांग खुद को चेन से बंधा हुआ पाता है, जहां उसके ऊपर बिजली भी गिर रही थी। यहां पर जियांग को फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहती है, जियांग जिया क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, यानी जो गलती तुमने की थी क्या तुम्हें उसका रियलाइज हुआ। जिस पर जियांग कहता है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्या रियलाइज करूं। तब ये बात सुनकर वो आवाज़ जियांग से कहती है कि सवाल का जवाब जानने के लिए तुम उसी गाँव में जाओ, यानी उन मॉडल्स के गाँव में, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की है, तुमसे क्या गुनाह हो गया है। तब यहाँ पर जियांग गायब होकर 15 साल पहले उसी दिन में आ जाता है, यानी जहाँ पर वो रिवर गॉड से लड़ाई कर रहा था, जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, जहाँ वो देखता है कि लड़ाई के दौरान उसने नदी के पानी से बहुत सारे गांव के लोगों को मार दिया है। और तब जाकर जियांग को अपनी गलती का रियलाइज होता है। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से जियांग गायब होकर उसी प्रोटेक्टर के सामने आ जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो बेल्ट उसके सामने विजिबल हो जाती है, जहाँ वो बर्निंग स्कल उसे कहता है कि जियांग तुम्हारे सामने एक इम्तिहान है, तुम्हें दो चीजों में से एक को चूज करना होगा, या तो तुम्हें इस बेल्ट को चूज करना होगा या गांव वालों की जानों को। जिस पर जियांग हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसा टेस्ट है, मैं कभी भी इस बेल्ट के लिए गांव वालों की जान नहीं लूंगा। उधर हम गांव में देखते हैं जहां पर रिवर गॉड आ गया है और उसने आते ही अर्थ गॉड पर अटैक कर दिया है। फिर रिवर गॉड अर्थ गॉड को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने आ जाता है जियांग जिया और अपनी थोड़ी बहुत बची हुई पावर से रिवर गॉड का सामना करता है, जहां रिवर गॉड जियांग को मारने के लिए अपना रॉड फेंकता है। जहां पर जियांग की जान बचाने के लिए फिनिक्स उस रॉड के सामने खुद आ जाती है और उस अटैक को वो अपने ऊपर ले लेती है और वो रॉड सीधा उसकी आर पार हो जाता है और फिनिक्स इंजर्ड होकर जियांग की गोद में गिरती है। यहां पर वो जियांग से कहती है कि जब मैं पहले दिन तुमसे मिली थी मुझे तुम तभी से पसंद आ गए थे। और इतना कहते ही वो बेचारी मर जाती है। अब रिवर गॉड एक बार फिर से जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आसमान से उसकी बेल्ट नीचे गिरती है जिससे रिवर गॉड दूर जाकर गिरता है, जहां जियांग लोगों की जान बचाने के लिए रिवर गॉड को हेल में लेकर चला जाता है, जहां पर हेल में जियांग और रिवर गॉड लड़ने लगते हैं, जहां दोनों ही एक दूसरे को मारते हुए एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। यहां पर जियांग फाइनली रिवर गॉड के उस रॉड को तोड़ देता है और रिवर गॉड के सर पर अटैक करके उसे बस मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसे नहीं मारता। तब ये देखकर रिवर गॉड
गॉड उससे कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, मैं हार कर नहीं जी सकता। जिस पर जियांग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम इमॉर्टल हो, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम जिंदा रहकर एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो। लेकिन तभी वो आवाज़ अचानक से जियांग का नाम लेने लगती है, जियांग जिया, और वो आवाज़ होती है मेन गॉड की, जहाँ वो दोनों अपने गॉड के आगे झुक जाते हैं। जहाँ पर मेन गॉड जियांग जिया से कहते हैं, तुम उस इम्तिहान में यानी मेरे टेस्ट में पास हो गए हो, अगर तुमने उस दिन गांव वालों की जान के बदले में उस बेल्ट को मांग लिया होता तो तुम इस इम्तिहान में पास ना होते बल्कि फेल हो जाते, लेकिन तुमने लालच में आकर ऐसा नहीं किया, इसीलिए अब इस बेल्ट को तुम रखो अपने पास। तब जियांग कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं गांव में ही उन लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। जिस पर मेन गॉड कहती है कि अगर तुम वहाँ रहे तो तुम हमेशा के लिए मॉर्टल बन जाओगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान। जिस पर जियांग कहता है कि कोई मसला नहीं है, मुझे मंजूर है। जहाँ पर गॉड उसकी बात मान लेते हैं, फिर वो रिवर गॉड को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं, जहाँ रिवर गॉड गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग नदी के पास बैठकर फिश पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी तीन सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं और जियांग से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि हमारे किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम सीधे तरीके से आराम से हमारे साथ नहीं गए तो हमें मजबूरन तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। तब उनकी ये बात सुनकर जियांग मुस्कुराने लगता है और उसकी स्माइल के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।